हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आज हमारे बजरंग बली भी ऐसे ही हैं क्योंकि ये राम दरबार के साथ विराजित रहते हैं। तो मैं करने जा रही हूँ इनका श्रृंगार, और इनका श्रृंगार करने के बाद मैं आपको कुछ टिप दूंगी। कुछ कमेंट आए थे कि दीदी, हम घर में हनुमान जी रखना चाहते हैं तो हमें किस मुद्रा में रखना चाहिए, और हमें कैसी इनका विग्रह होना चाहिए, पंचमुखी होने चाहिए। तो ये सब मैं श्रृंगार के लास्ट में इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। इनका वस्त्र मैंने इन्हें पहना दिया, ये 0 साइज़ का है क्योंकि हमारे हनुमान जी छोटे हैं, राम दरबार के साथ में ही ये विराजित रहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इनका श्रृंगार। सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट हार पहनाऊँगी, छोटा सा हार जो कि मोतियों वाला है। बहुत ज़्यादा इनका श्रृंगार फ्रेंड्स नहीं हो पाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं ये विग्रह बहुत छोटा है, ये मुश्किल से 2.5 इंच के होंगे, मुश्किल से। तो ये मैंने एक लॉन्ग हार पहनाया है, ये इस टाइप से मैंने एक शॉर्ट हार पहनाऊँगी क्योंकि ये राम दरबार के साथ हैं। नहीं, ये मैंने लॉन्ग हार पहना है, इसके पहले मैंने शॉर्ट हार पहनाया था। और ये ऑरेंज कलर के कड़े हैं छोटे छोटे, ये मैंने पहनाऊंगी जो कि बहुत सुंदर लगते हैं इनके हाथों में जी। और माफ़ करिए फ्रेंड्स कि मैं ये आपको शॉपिंग हॉल में दिखाना जो है वो भूल गई थी, तो ये अलग रखे हुए थे, मैं एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया, मैं आपको दिखाना ही भूल गई। ये हैं, और साथ में ही मैं इन्हें दूँगी ये गदा जो कि इस टाइप से है। मुकुट यही लगा दूं क्या? बट इससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये मुकुट लगता है। तो फ्रेंड्स, ये मुकुट मुझे इनके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइप से। तो ये हमारे हनुमान जी हैं जो कि बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत इनके श्रृंगार में नहीं करनी होती है। कानों में कुछ नहीं पहने हैं तो मैंने कानों में भी धारण करवाऊँगी, जैसे कि ये कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने इन्हें कानों में भी धारण करवा दिए। बाल मैंने नहीं पहनाती हूँ क्योंकि इनको पीछे विग्रह में बाल ऑटोमेटिक बने हुए हैं, तो वो मैंने नहीं पहनाती हूँ। और ये राम दरबार से मैच करते हुए लगे, इसीलिए मैंने इन्हें सेम जो है वैसे ही पहनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है राम दरबार का श्रृंगार। अब मैं आपको बताऊँ कि आप घर में हनुमान जी किस प्रकार के रखें, क्या करें। वैसे मैं इस वीडियो में थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, बकाया कि मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अब जैसे बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि फीमेल्स हनुमान जी का श्रृंगार नहीं करती हैं लेकिन आप तो श्रृंगार करती हैं, जी हाँ बिल्कुल करती हूँ। तो हनुमान जी का एक विग्रह होता है जिसका एक सही माप होता है, वो जैसे कि मंदिर में बहुत बड़े विग्रह हो जाते हैं, 5 फीट 6 फीट 7 फीट 10 फीट 12 फीट मंदिर के माप पर निर्धारित करते हैं कि कितना बड़ा विग्रह है। उसमें महिलाएं पूजा नहीं कर सकती, वो इतना बड़ा विग्रह हो जाता है, ऑटोमेटिकली जागृत होता है और निर्धारित करता है कि मंदिर का मुख किस तरफ है, हनुमान जी किस मुखी हैं, दक्षिण मुखी हैं, पूर्व मुखी हैं, पश्चिम मुखी हैं, उत्तर मुखी हैं, ये भी निर्धारित करता है। दूसरी चीज़ क्या, जब आप घर में पंचमुखी हनुमान जी रख रहे हो तो फिर महिलाएं उनकी सेवा नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो एक विचित्र ही रूप होता है। ये जो इनका रूप है जिसमें ये इस टाइप की मुद्रा में राम दरबार के साथ में बैठे हुए हैं, इस मुद्रा में आप इनका पूजन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, इनकी सेवा भी कर सकते हैं क्योंकि इस समय ये एक ऐसे विग्रह के रूप में होते हैं, या कहें कि आप राम दरबार के साथ एक ऐसे परिवार में बैठे रहे होते हैं जहां महिलाएं भी इनकी सेवा कर सकती हैं क्योंकि महिलाएं राम दरबार की सेवा कर सकती हैं। राम दरबार बिना हनुमान जी के अधूरा है, इसलिए आप हनुमान जी की भी सेवा कर सकते हैं। तो जो लोग घर में हनुमान जी रखना चाहते हैं, या और भी इनसे जुड़ी कई जानकारी है कि क्या नियम है इनकी सेवा के और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो शूट कर दूंगी कि आप हनुमान जी किस प्रकार के घर में रखें,
कितने मुखी होने चाहिए, सही मुद्रा क्या है, घर में रखने का उनका सही माप क्या है। तो जो घर की महिलाएं हैं, घर के पुरुष हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सब उनकी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी को महिलाओं से नफरत है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या उनकी माँ ने उन्हें पैदा नहीं किया था? तो हनुमान जी तो अपनी माँ से ही पैदा हुए, अंजनी के पुत्र हैं और पवन पुत्र भी कहलाते हैं, भगवान शिव का अवतार हैं। तो कई चीज़ें हैं इनके बारे में, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और इनका घर में किस प्रकार का विग्रह होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, सब आपको डिटेल में जो है शेयर करूंगी। फिलहाल अगर ये श्रृंगार आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। और साथ ही आप मुझे इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ लेटेस्ट अपडेट जो है शेयर करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ द न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, और आपको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं मिलती हूँ द न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.